एचआईवी और डिप्रेशन, इसके बारे में आज बातचीत करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। क्या है कि एचआईवी होने के लिए खुद ने कई अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया हुआ रहता तो एचआईवी हो सकता है। घर में किसी को, पति पत्नी में से किसको एचआईवी है तो दूसरे को हो सकता है। एचआईवी में ऐसा कोई बहुत ज्यादा सीरियस बात नहीं कि एचआईवी हो गया मतलब मर गए, ऐसा कुछ नहीं है। एचआईवी हो गया मतलब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस का इन्फेक्शन आपको हो गया, वो आपके ब्लड में आ गया, वो आपके बॉडी में आ गया। उसके आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो लोग 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल जीते हैं, कोई मरते नहीं। हाँ, एड्स हो गया तो फिर प्रॉब्लम होता है, ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। उसमें क्या होता है कि एड्स हो गए तो सब वो अपने ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, डेफिशिएंसी हो जाती है इम्यूनिटी की, और फिर वो फटाफट एक एक ऑर्गन जो निकम्मा होता है और बाद में आदमी मर सकता है 2-3 साल में। एचआईवी से नहीं मरता। एचआईवी में एआरटी आप ट्रीटमेंट लेते हैं, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। मगर एचआईवी का डर लोगों को है कि एक बार अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया तो एचआईवी का डर है, बार 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 टेस्ट करना। और एचआईवी हो गया तो फिर अभी एचआईवी की वजह से एंग्जाइटी और डिप्रेशन आता है। अभी जो मेरे एक लेडी की बात कर रहा हूं, उसकी उम्र करीब 45 साल की है, पिछले 5 साल में 3 बार डिप्रेशन के अटैक आ गए। और हर बार जो डिप्रेशन का अटैक आता है वो एकदम बहुत ज्यादा थॉट्स आते हैं कि एचआईवी हो गया अपने को, मतलब उसको एचआईवी है ही, एचआईवी हो गया, अब अपन मरने वाले हैं, और मरने वाले हैं तो फिर कैसा करना, क्या करना, उदासीनता, नर्वसनेस, रोना, और वही बार बार विचार आना एचआईवी के, फिर मृत्यु पत्र करके रखना कि भाई मेरी आखिरी इच्छा क्या है, वो करना, फिर सुसाइड की इच्छा हो जाना, फिर उसको लाते हैं मेरे तरफ और उसको फिर दवा देते हैं। क्या एचआईवी की बीमारी है, उसको स्ट्रेसर है, डिप्रेशन के लिए स्ट्रेस हो जाता है उसको, वो विचार आता है और फिर उसको डिप्रेशन आता है। हर बार ऐसे हुआ, फिर हम एंटी डिप्रेशन देते हैं उसको, साइकोथेरेपी देते हैं, काउंसिलिंग करते हैं, और फिर धीरे 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 1.5-2 महीने में ठीक हो जाता है। यूजुअली ये जो पेशेंट है डिप्रेशन के, उन्होंने 7-8 महीने, कम से कम 9 महीने दवाई लेना जरूरी है। मतलब लोग क्या करते हैं कि 1.5-2 महीने में अच्छे हो गए, बाद में दवा बंद कर डालते और फिर रिलैप्स हो जाता। फिर लोग पूछते कितने दिन दवा लेना है, तो डिप्रेशन में हो सकता है कि आपको साल भर दवा लेनी पड़ेगी, हो सकता है कि ज्यादा लेनी पड़ेगी। मगर लोग मानसिक बीमारी की दवा लेना पसंद नहीं करते। हाँ, डायबिटीज हो गया तो लोग जिंदगी भर दवा लेंगे, ब्लड प्रेशर हो गया तो लोग जिंदगी भर दवा लेंगे, उनको मालूम है जिंदगी भर दवा लेनी पड़ेगी। मानसिक रोग हो गया तो नहीं, कितने दिन दवा लेंगे, हमको तो उसकी आदत लग जाती है बोलते हैं। मतलब आदत लग जाती है, फिर डायबिटीज की गोलियों की आदत नहीं लगती क्या, ब्लड प्रेशर की गोलियों की आदत नहीं लगती क्या, क्योंकि वो तो लेना ही पड़ता है, नहीं लिया तो बीपी बढ़ जाता है। तो वैसे ही समझो, आपकी यदि हालात, यदि मेंटल स्टेट आपकी यदि ठीक रहती है दवाई लेके, और आपको फिर रिलैप्सेस बार बार नहीं होते, तो ज्यादा दिन लिया तो क्या प्रॉब्लम है। मगर उनको एक, लोगों को एक बिलीफ हो चुका है कि नहीं, हम ज्यादा लेंगे नहीं, बंद कर डालेंगे, साइड इफेक्ट्स है तो हम लेंगे नहीं और हम बंद करेंगे, फिर वो बात बाद में देख लेंगे। फिर बाद में भी क्या करना चाहिए, लोगों ने जैसे सिम्टम दिख गए वैसे तुरंत डॉक्टर के पास में जाना चाहिए और दवा चालू करना चाहिए। क्या कहते हैं लोग, आंख पे निकालते हैं सिम्टम आने के बाद में। जैसे पहले सिम्टम डिप्रेशन के क्या होते हैं, नींद नहीं आना, उदासीनता है, नर्वसनेस है, भूख नहीं लगती है, कुछ भी कोई भी काम में इंटरेस्ट नहीं है, होपलेसनेस है, हेल्पलेसनेस है, सुसाइड के विचार आना। सब जैसे ही थोड़ा 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 चालू हो गया, तुरंत डॉक्टर के पास में आना चाहिए, तुरंत दवा लेना चाहिए। मगर लोग आंख पे निकालेंगे, नहीं नहीं हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक, ऐसा बोलेंगे, ज्यादा सोचो मत ऐसा बोलेंगे। फिर अपने फैमिली फिजिशियन के पास में जाएंगे, उसके पास से कोई टेंशन कम करने की दवा, अल्प्रेजोलाम जैसी कोई दवा ले लेंगे, और वो दवा खा के फिर उनको लगता है कि ठीक है, अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, फिर वो बढ़ते बढ़ते जाता है, फिर एकदम ज्यादा हो गया तो फिर आएंगे हमारे पास। तो ऐसा कभी नहीं करना है। एक तो एचआईवी का डर लोगों ने लेना नहीं मन में कि एचआईवी हो गया मतलब ये मरने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उससे टेंशन लेने का नहीं है। और डिप्रेशन यदि आता है बार 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 बार, या एंग्जाइटी आती है, तो जैसे सिम्टम आते हैं वैसे तुरंत दवा लेना चालू करना है। यदि आपको अच्छा लगा तो जो लोगों को शेयर करो, जिनको भी एचआईवी है उनको शेयर करो, डिप्रेशन है उनको शेयर करो, ताकि हमारा जो मकसद है उसमें हम हमारे पार्टनर बनाए। हमारा मकसद है कि सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। आप हमको
इसमें सहयोग दे। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ज्यादा अपने खुद के लिए फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।